नमस्कार, स्वागत है आपका उल्लेख न्यूज में। हम एक बार फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के साथ। देवबंद नगर निवासी एक व्यक्ति ने कुछ लोगों पर उसके प्लॉट पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की गुहार लगाई है। इतना ही नहीं, पीड़ित ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसकी सुनवाई नहीं होती है तो 4 तारीख को जब मुख्यमंत्री देवबंद आएंगे तो उनके समक्ष वे अपनी सारी बात रखेंगे। दरअसल कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बेरून कोटला निवासी ने कोतवाली पुलिस को तहरीर में बताया कि उसने कोला बस्ती स्थित एक प्लॉट 2016 में खरीदा था, जिसके सभी कागजात उनके पास हैं। उन्होंने बताया कि अब वो प्लॉट को बेच रहे हैं। पीड़ित का आरोप है कि नगर के ही कुछ दबंग व्यक्ति उस पर कब्जा जमाए हुए हैं और वे उससे वसूली करना चाहते हैं। पीड़ित ने कहा कि 4 तारीख को मुख्यमंत्री देवबंद आ रहे हैं, अगर मेरे द्वारा अधिकारियों को दिए गए प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो 4 जनवरी को देवबंद मुख्यमंत्री आएंगे तो मैं उनके समक्ष अपनी सारी बात रखूंगा। मैं डॉक्टर मोहम्मद इसरार, मैं इस वक्त कोतवाली में मौजूद हूँ और मैं पीड़ित इसलिए हूँ कि मेरा यहाँ पर जो है कोला बस्ती में एक प्लॉट है 400 गज का, उसमें जो है मेरी तामीर है। 2016 में मैंने लिया उसको, मेरी तामीर है, आज तक मैं काबिज चला रहा हूँ। लेकिन कुछ गुंडा तो भू माफिया, जिनके पीछे कुछ ऐसी ताकतें हैं, मुझे लगता है कि वो जो ज़मीनें कब्जाने का काम कर रहे हैं और उन्हें कई ज़मीनें कब्जाई हैं। मैंने यहाँ तहरीर दी है मुख्यमंत्री से लेकर के मुख्य सचिव से लेकर के SSP DM CO तमाम मैंने मेल भी किए हैं और तहरीर अपनी दे चुका हूँ और पुलिस ने मुझे आश्वासन दिया है। और 2016 में मैंने लिया था, 4 तारीख में जो मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, अगर मेरी कार्रवाई नहीं होती, मेरी उस पर सुनवाई नहीं होती तो 4 तारीख को मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं, मैं उनके काफिले के सामने लेट जाऊँगा, इंसाफ मांगूँगा और उनके सामने ये बात रखूँगा कि आपकी सरकार में हमारे साथ जो इस तरह के जो ज़मीनों को कब्जाने का काम और ऐसा है लोगों के साथ जो काम हो रहे हैं वो आपकी सरकार में, जबकि आप कहते हैं कि किसी की ज़मीन को कब्जाया नहीं जाएगा, 4 तारीख में मैं उनके सामने रखूंगा। आप देख रहे हैं उल्लेख न्यूज़, हर खबर पर पैनी नज़र।